स्पष्टता से भरे विचारों से, स्पष्टता की गतिविधियों से, स्पष्टता के क्रियाकलापों से आखिर हमें भय किस बात का है, संशय किस बात का है, संकोच किस बात का है? आश्चर्य की बात है, जो स्पष्टता हमें अद्भुत जीवन प्रदान कर सकती है, जो स्पष्टता, जो पारदर्शिता हमें सत्य की ओर प्रेरित कर सकती है, न्याय की ओर प्रेरित कर सकती है, धर्म की ओर प्रेरित कर सकती है, जो ईमानदारी को अंगीकृत करने में मदद कर सकती है, जो मानवता को निभाने में साथ दे सकती है, जो शांति की राह पर अग्रसर होने में मददगार बन सकती है, जो अहिंसा को स्वीकारने में सहारा दे सकती है, जो पवित्रता को, निर्मलता को, निश्चलता को, सरलता को, सादगी को, सजगता को स्वीकारने में मदद कर सकती है, हम उसी से हिचकिचाते हैं, हम उसी से संकोच करते हैं, हम उसी से दूर भाग रहे हैं, हम उसी को स्वीकारना नहीं चाहते, हम क्षण प्रतिक्षण उसी को अस्वीकार कर रहे हैं। ये कितनी अजीब सी बात है, कितनी विडंबनात्मक बात है। इसीलिए हम नकारात्मकताओं में ही उलझे रह जाते हैं, हम पाप कर्मों में उलझे रह जाते हैं, हम असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दंगा फसाद, अशांति, हिंसा आदि जैसे नकारात्मक रूपरेखाओं में, अहंकार की गतिविधियों में उलझ कर रह जाते हैं और अपने जीवन को कब नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं हमें पता ही नहीं चलता।